हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं सुबह का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। आज दिन है संडे और तारीख है 20। अभी सुबह सुबह मेरी लड़की कहने लगी कि आप आज मैं आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ, आप रोज़ ऐसे ही पोनीटेल बनाकर या जूड़ा वगैरह बनाकर पूरे दिन ऐसे ही फिरते रहते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लड़की ने ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है। देखिए मेरा हेयर स्टाइल कितना सुंदर लगा फ्रेंड्स। छोटी और मेरी लड़की बहुत ही अच्छे से अच्छे हेयर स्टाइल बनाती है, ये अपनी वीडियो भी डालती है हेयर स्टाइल वाली, यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालती है हेयर स्टाइल की। हर्षी मेकअप के नाम से इसका चैनल है और आप देखना चाहते हो तो आप देख लेना यूट्यूब पे। मैं इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। मैंने लिया 1 कटोरी बेसन, धनिया की पत्ती कटी हुई और धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। मैंने डाल दिया इसमें 1 कटोरी बेसन और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। उसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरी धनिया की पत्ती ये बारीक बारीक मैंने काट ली है और इसको मिक्स कर रही हूँ। सूखे बेसन में ही नमक मिर्च सब मिक्स हो जाता है तो अच्छी तरह से बन जाता है, नहीं तो फिर वो सही तरीके से नमक नहीं मिलता। ऐसे मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ धीरे धीरे और उसको चलाती जा रही हूँ। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको इस तरह से चलाते रहना चाहिए, पानी डालने के बाद इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। जितने अच्छी तरीके से ये मिक्स होएगा उतना ही अच्छा हमारा सिलरा बनेगा। इस तरीके से मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल लिया है उसके लिए चिपके ना, और फिर मैं इस पर हमारा सिलरा एक तरफ से सीख चुका है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा सिलरा रेडी हो चुका है। अब हम इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं और इस पर मक्खन लगा दिया है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए।
आज हम लंच में मूली के पराठे बनाने जा रहे हैं। ये मैंने ली है ग्रेट की हुई मूली, हरा धनिया और नमक। ये मैंने आटा लगा कर रख लिया है, इसे मैंने ढक कर रख दिया था 20 मिनट के लिए, और मेरा आटा मुलायम हो चुका है। और मैं अब स्टफिंग तैयार करने जा रही हूँ। मैंने ये मूली ग्रेट कर रखी है, इस तरीके से। अब मैं इसमें डालती हूँ हरे धनिया की पत्ती और ये कटी हुई हरी मिर्च और ये अदरक और नमक में कमी डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले नमक मूली में नमक डालकर निचोड़ी है, तो इसलिए नमक इसमें कमी डालना चाहिए। और ये है धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला, इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। मैंने ये सब मसाले मिक्स कर दिए हैं। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। अब मैं इसका आधा भाग कर रही हूँ, और दो भाग करने के बाद इसमें से मैं एक रोटी ले लूँगी। एक रोटी मेरी बन चुकी है, इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। और मैं इसमें अब स्टफिंग भरती हूँ इस तरीके से। और तेल लगाया, दूसरी रोटी फिर इसके ऊपर रख दूंगी इस तरीके से। तो इसे थोड़ा बेलन से इस तरीके से दबा दीजिए और ये कॉर्नर भी इस तरीके से दबा दीजिए, जिससे हमारी स्टफिंग ना निकले। फिर हमारा पराठा हो चुका है तैयार।
ये बना रही हूँ मैं तेल में पराठे। तेल में ही बनाने चाहिए पराठे, इससे अच्छे तरीके से करारे हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये बनाई है मैंने अपने कान्हा जी की ड्रेस, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिटिंग वाली ड्रेस बनाई है मैंने और इसमें कैप भी लगाई है। कैप को मैंने इसमें ही पहन कर रखा है इस तरीके से, ये अलग से नहीं लगानी पड़ती, ये इसमें कैप लगी हुई है। और ये बहुत ही सिंपल ड्रेस है। अगर आप फ्रेंड्स सीखना चाहते हो तो मैं आपको, आप कमेंट्स में लिखना, मैं आपको ये बनानी सिखा दूँगी। ये वाली ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है। और एक ये वाली ड्रेस है, ये मैंने प्लेन बना रखी है इस तरीके से, अम्ब्रेला कट आगे से यहाँ पे खुली हुई है जिससे कि पहनाने में परेशानी ना हो। और इसके साथ है गर्म पजामी, इस पजामी को मैं इसके साथ ही पहनाती हूँ, सर्दी में गर्म पजामी पहनाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। ये इस तरीके का सेट है, पूरा सेट है। और ये है लड्डू गोपाल जी की ओढ़ने वाली गर्म चादर। ये मैंने एक ही कलर की बना रखी है। और ये वाली ड्रेस है, देखो रेड और येलो कलर की, इसमें कैप मैंने इस तरीके से लगा रखी है। ये मैंने इसमें घेर भी काफी बना रखा है क्योंकि ऊन वाली ड्रेस घेर वाली अच्छी लगती है। ये इस तरीके से ड्रेस है। और एक इसके साथ पजामी, मैंने पजामी को इस तरह बना रखा है, इसमें ही मैंने ये ऊन का ही बनाकर इसमें ये लगा रखा है फैशन के लिए। वैसे तो ये पूरी ऊपर से ही साइज में ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये ऊन के बनाकर इसमें ये नाड़ा वगैरह जैसे होता है ये डाल रखा है। और ये हो गई मेरी लड्डू गोपाल जी की तीन ड्रेसें। और एक ये ड्रेस है, ये वाली, इसलिए मैंने बना रखी है फुल साइज। इसमें कोई ऐसे वाला डिज़ाइन नहीं है कि जो डिज़ाइन नहीं डल सकता, ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन है। ये भी मैं आपको सिखा दूँगी, कमेंट्स में बताना कौन सी ड्रेस का आपको डिज़ाइन सीखना है। ये देखिए इस तरीके से, ये अम्ब्रेला कट फुल साइज। और ये कैप भी मैंने इसमें पहन कर रखी है इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं। और एक ये वाली ड्रेस है, इसमें ये वाला डिजाइन है, ये भी कोई हार्ड डिजाइन नहीं है, बहुत ही सिंपल डिजाइन है। और इस तरीके से इसमें मैंने कैप लगा रखी है। कैप इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इधर उधर कैप
हो जाती है कि फिर कैप नहीं मिलती, इसलिए मैं कैप को इसमें ही ब्लेंड कर देती हूँ। इस तरीके से ये कैप इसी में लगी रहती है, अलग से ढूंढनी नहीं पड़ती। ये ऊपर से फिटिंग वाली है और ये थोड़ी मैंने शॉर्ट में बना रखी है, ज़्यादा फुल साइज नहीं है। ये भी बहुत सुंदर लगती है। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको कौन सी वाली ड्रेस अच्छी लगी, वही मैं आपको बनानी सिखा दूँगी।